बिजनेसमैन फ्रेंड ग्रुप की जानिब से चैंबर ऑफ कॉमर्स इलेक्शन 2020 शेड्यूल पर चेयरमैन लाहौर बिजनेस फ्रेंडमैन मोहम्मद अमजद चौधरी ने ग्रुप के तमाम सीनियर रहनुमाओं का इजलास मरकजी इलेक्शन ऑफिस में मुनक्किद किया। इजलास में चैंबर ऑफ कॉमर्स इंतखाबी मुहिम पर ओहदेदारों को ब्रीफिंग दी गई, जबकि इलेक्शन कम्पेन पर खसूसी गुफ्तगु करते हुए बिजनेसमैन फ्रेंड ग्रुप के ताजिरों ने कहा, और चैंबर के इंतखाबात आमद आमद है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तैयारी बिल्कुल मुकम्मल है। हमारी तरफ से कल इलेक्शन करा लें, हम तैयार बैठे हैं। और मैं आपकी विश्वासत से ये कहना चाहता हूँ कि जो गलतियाँ पिछली दफ़ा हुई या जो बेईमानियाँ पिछली दफ़ा हमारे साथ उन्होंने की, इस दफ़ा हम उनको मौका नहीं देंगे, ना करने देंगे और ना इंशाल्लाह ताला किसी को मौका देंगे कि वो कोई ज़्यादती कर सके। बाकी रह गई एसओपी की बात, तो मेरी सबसे गुजारिश है कि एसओपी जल्द अज जल्द तय किए जाए, हुकूमत की मर्ज़ी के मुताबिक जो एसओपी हैं उन पे अमल किया जाए। मेरी वोटर से एक ही गुजारिश है कि वोट उनके पास अमानत है, वो देखें कि उनमें से कौन है और कौन उनकी बात कर रहा है और किसने उनकी बात की है। अपनी ईमानदारी से वोट कास्ट करें और उन लोगों को कास्ट करें जो उनकी उम्मीदों पर बुरा उतरे। आज चैम्बर इलेक्शन 2020 के हवाले से हमारी मीटिंग बुलाई गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह मीटिंग बहुत फ्रूटफुल रही और बहुत सी डेवलपमेंट और बहुत सी पार्टी पॉलिसी के बारे में डिस्कशन हुई। इंशाल्लाह हम बहुत ही खुश असलूबी और बखूबी तरीके से लोगों के पास अपने मंशूर को लेके उनके पास उनकी दुकानों पे उनके दफातर में जाएंगे और इंशाल्लाह उनको अपना मंशूर बताकर वोट के बारे में उनसे डिस्कशन करेंगे और उनको ये एतमाद दिलाएंगे कि अगर लाहौर बिजनेसमैन फ्रंट इक्तदार में आती है तो ताजरों का असल हक इंशाल्लाह उनको दिलवा के रहेगी। और मैं समझता हूँ कि अगर इंसाफ के लिए आप चाहते हैं कि इंसाफ हो, मेंबर्स को उनका पूरा हक मिले, तो अपोजिशन को मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि अगर कोई दोस्त इस जेन से हैं कि वो पियाफ या फाउंडर के साथ हैं, लेकिन अगर वो एज ए न्यूट्रल और लोगों की खिदमत करना चाहते हैं या मेंबरान की बेहतरी चाहते हैं या वो अपनी भी बेहतरी चाहते हैं, तो मजबूत अपोजिशन के लिए इस दफ़ा एलबीएफ को वोट दें ताकि ये एक मजबूत अपोजिशन का किरदार अदा कर सकें। और आपने देखा है जब से ये पिछले 3-4 साल से एलबीएफ का ग्राफ ऊपर जा रहा है, उतना ही चैम्बर वाले जो हैं जो हस्बे जो इक्तदार में हैं वो मेंबर्स के साथ बड़े पोलाइट हो रहे हैं और उनके कामों में बड़ी बेहतरी आ रही है। तो इसके लिए जो है ये हर सतह पर ही अपोजिशन को मजबूत होना चाहिए और इसको ताकि जो है लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचे। इजलास में बिजनेसमैन फ्रेंड ग्रुप की जानिब से मोहम्मद अमजद चौधरी, मियां जावेद, अजमत शाह, उस्मान गनी, राजा एहसन अख्तर, साजद मीर, अली रज़ा चौधरी, अब्दुल सत्तार गुज्जर, इनामुल हक सलीम और चौधरी सुल्तान समेत दीगर ओहदेदारों ने शिरकत की। इजलास के इख्तिताम पर तमाम ओहदेदारों ने चौधरी मोहम्मद अमजद का शुक्रिया अदा करते हुए उन्हें एजाज़ी हार भी पहनाया। कैमरा में शाहिद इकबाल के साथ उबैद खान, लाहौर 24 न्यूज़, लाहौर।